सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के गुरुफ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो तो आज टाइम पे है और अगर रहा इंटरनेट दिल्ली का मेहरबान तो आपको मिल जाएगी टाइम से पहले। तो रूटीन बन रहा है इंडिया मैन के बोलते फर्स्ट क्लास भैया दिन आज था पहला बहुत ही कमाल का। इन्हीं सभी बातों पे मिला के एक लाइक तो बनता है। दूसरा पहला अपडेट है वो निकल के आता है BMW की तरफ से। यहाँ पे भैया ये प्लान करते हैं दुनिया का सबसे तेज रेसिंग ड्रोन बनाने का। बिजनेस में अभी जो BMW है वो मदद करने वाला है दुनिया का सबसे तेज रेसिंग ड्रोन बन जाए इस बारे में। और यहाँ पे भैया ये रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं 165.2 माइल्स पर आवर का। ये बहुत तेज स्पीड होती है वो ड्रोन होगा मतलब कितना छोटा। तो ऐसे में उसको आप सोचोगे दोस्तों कंट्रोल कैसे करेंगे तेज स्पीड में, क्योंकि जो ड्रोन्स हैं वो भैया बहुत ही वोलेटाइल होते हैं और ऐसे बहुत ही छोटा सा ड्रोन है इसके लिए होते हैं बेसिकली बहुत ही एडवांस्ड गॉगल्स जिनको आप पहने करते हैं कंट्रोल। लेकिन ये बन जाएगा बाद में शायद दुनिया का सबसे तेज रेसिंग ड्रोन। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है Huawei की तरफ से और यहाँ पे भैया कुछ केसेस लीक हो गए हैं जो बताते हैं इन्फॉर्मेशन को देते हैं कुछ Huawei के P20 Lite P20 Pro के बारे में, जहां पे क्लियरली दिख रहा है कि भैया जो फोन है वो होने वाले हैं ट्रिपल रियर कैमरा के साथ में। यहां पे एक शायद होगा जूम के लिए, एक होगा शायद ब्लैक एंड व्हाइट या फिर क्या पता वाइड एंगल भी हो सकता है। अप्रोच काफी इंटरेस्टिंग है और एटलीस्ट कोई ये नहीं बोलेगा कि तुमने डिजाइन कैसे उठाया बिकॉज ये है कंप्लीटली ओरिजिनल मेरे ख्याल से। आप दोस्तों क्या सोचते हो कि आपके फोन में कितने कैमरास लगे हों, एक आगे एक पीछे एक राइट लेफ्ट ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब लगा दो कैमरा पे कैमरा की फोन को पकड़ लो हाथ है बाद में भैया कर लो चारों तरफ का नजारा एक साथ की एकदम पूरी निगरानी। तो मतलब ये देखते हैं कि Huawei P20 जो है वो क्या कमाल करता है 27 मार्च को। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे AMD की चिप्स को लेके और एक इजरायली फर्म ने ये बोला है कि भैया कुछ सिक्योरिटी फ्लॉज हैं AMD की चिप्स में, इनको हैक किया जा सकता है, इनको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। अभी ये चीज जो है वो कुछ कंप्लीटली क्लियर नहीं हो पाई है बिकॉज उस फर्म ने सिर्फ एक क्लेम ही किया है, यहाँ पे AMD तो कोई जवाब दिया नहीं, वो बोलते हैं कि हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशंस। तो देखते हैं कि भैया यहां पे AMD जो है वो क्या सिक्योर है कि नहीं है, मतलब इंटेल भी था वल्नरेबल अभी AMD भी हो गया है तो फिर बाकी कौन रहा। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है Fitbit की तरफ से, यहां पे इंडिया में लॉन्च कर दिया है Fitbit ने अपनी नई स्मार्टफोन जिसका नाम है Fitbit Versa। आपको मिलती है 4 दिन की बैटरी और जो प्राइस है वो है 1999। अगर आपको सेहत प्यारी है, दिल की धड़कन नापनी है, कितना चले कितना दौड़े कितना भागे कितना कूदे वो सब देखना है अपनी घड़ी में, तो आप ले सकते हैं इस Fitbit की Versa को। हालांकि थोड़ी एक्सपेंसिव है 20,000 फिटबिट के नाम पे, हालांकि फिटबिट सारी में एक्सपेंसिव ही होती है लेकिन 20,000 आई थिंक शायद सबसे एक्सपेंसिव मॉडल होगा फिटबिट का, आयोनिक शायद उससे भी एक्सपेंसिव है। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे माइक्रोमैक्स के भारत 5 प्रो को लेके। 5,000 mAh की बैटरी है, फ्रंट LED फ्लैश है, बातें बहुत ही कमाल की है, फोन की प्राइस है 799, लेकिन लगा है मीडिया टेक का प्रोसेसर। माइक्रोमैक्स कुछ अच्छा काम करो। स्क्रीन भी दे दिया आपने पुराने वाला, पतला लंबा आपने इसको बनाया नहीं, तो हम कैसे सपोर्ट करें यार, हमारी इंडियन कंपनी है, अगर कुछ अच्छा करे ना तो मतलब दिल से तारीफ निकले। काश हम कुछ एकदम इम्प्रूवमेंट्स देख पाएं तो मतलब मज़ा आ जाएगा। वैसे ये जो है ये लेने लायक है नहीं। दूसरा अगर बैटरी चाहिए तो ले सकते हो लेकिन फिर बैटरी तो आपको और बहुत सारे फोन से मिल जाएगी, उसके लिए आपको भारत 5 प्रो प्रो 5 क्यों चाहिए। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे इंडिया में भैया 4G स्पीड्स को लेके। एयरटेल बोलते हैं कि हमारे चलता है 4G जंगल झील नदी झरने पहाड़ रेगिस्तान सब जगह पे, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों बताया है ओपन सिग्नल ने कि इंडिया में कौन से इलाके में आपको मिलता है फास्टेस्ट 4G। तो यहाँ पे जो नवी मुंबई है वो दोस्तों निकल के आया है नंबर 1 पोजीशन पे, जहाँ पे जो स्पीड्स हैं एवरेज वो है 8.72 Mbps की। सेकंड दोस्तों पोजीशन ली है चेन्नई ने, जहाँ पे जो स्पीड्स हैं वो है 8.52 Mbps की। मतलब क्या कमाल बात है कि हम 8 Mbps को 4G बोलते हैं। अभी जब 5G आएगा तब पता नहीं भैया क्या होगा। और यहाँ पर दोस्तों इलाहाबाद जो है वो लास्ट स्पॉट लेके रहा है टॉप 20 सिटीज़ में। तो और बहुत सारी सिटीज़ हैं यहाँ पे लेकिन नवी मुंबई में अगर आप रहते हो तो आप लकी हो क्योंकि आप यूज़ कर रहे हो इंडिया का सबसे तेज 4G। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है Xiaomi की तरफ से, लॉन्च कर दिया है Xiaomi ने अपना Redmi 5 फोन। 3 अलग अलग वेरियंट्स हैं, 5.7 inches का डिस्प्ले है पतले लंबे वाला, यहाँ पे स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर है, प्राइस जो है वो है 8,000, 9,000, 11,000 में। आपको लिए वीडियो बना ही चुका हूं, फोन सही है लेकिन सारे मॉडल सही नहीं है, 11 वाला काफी एक्सपेंसिव है, 8 वाला लेने का सेंस बनता नहीं है आज की डेट में। तो ऐसे में आपकी समझ है, आपकी समझदारी है, अगर नंबर आ जाए फ्लैश सेल में तो ले सकते हो शायद ये Redmi 5। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है OnePlus 6 को लेके और यहां पे रिपोर्ट्स ये कहती है कि यहां पे होने वाला है Cat 16 का दोस्तों। यहां पे होगा मोडेम जो कि आपको देगा प्रोवाइड करेगा स्पीड्स भैया बहुत ही कमाल की 1.2 Gbps तक, बेसिकली स्नैपड्रैगन 845 में लगा हुआ है तो इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। लेकिन
1.2 Gbps की स्पीड हमारा फोन सपोर्ट करता है। मिलता कितना है 8 Mbps, तो मतलब वही वाली बात होगी ना, इसकी जांच करवानी पड़ेगी, यही तो सारा स्कैम है। दूसरा अगला अपडेट निकल जाता है वो है वीवो के V9 को लेकर, और यहाँ पे जो लॉन्च है उसकी डेट हो गई है चेंज, पहले से 27 मार्च दोस्तों हो गए, घटके भैया यहाँ पे 23 मार्च। और एक और रिपोर्ट ये बोलती है कि ये जो ब्रांड एम्बेसडर चेंज हो रहा है शायद वीवो का, वो हो सकते हैं अभी मिस्टर आमिर खान। मेरा भरोसा उठ जाएगा यार अगर ऐसा हो गया तो। आप उसके बारे में क्या कहते हो? और यहाँ पे कल जब आपको बता रहा था कि लीक आया है जहाँ पे ओप्पो का जो आने वाला है F7 उसके अंदर होगा 25 मेगापिक्सल कैमरा, तो वो भैया कंफर्म हो गया है, बिकॉज आज जब मैं सुबह था एयरपोर्ट के बाहर तो वहीं पे बड़ा सा हरे रंग का बोर्ड था, ओप्पो का F7 क्लियरली मेंशन था, फोन क्लियरली यहाँ पे दिखा हुआ था और वहां पे लिखा हुआ था 25 मेगापिक्सल की सेल्फी, वीवो देगा 24। कमाल बात है। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया फ्लिपकार्ट की चल रही है सेल, 15 तारीख तक आपके पास मौका है, यहाँ पे आईफोन 10 आप ले सकते हैं 79,999 रुपीज में, काफी सस्ता मिल रहा है कंपेयर टू उसकी ओरिजिनल प्राइस। साथ में कुछ कैशबैक ऑफर्स भी हैं, पिक्सल टू एक्सल आपको मिल रहा है कैशबैक वगैरह में, तो अगर आपको कुछ दोस्तों मोबाइल फोन खरीदने हैं तो जा सकते हैं फ्लिपकार्ट पे, कर सकते हैं अपनी शॉपिंग इससे पहले कि ये सेल खत्म हो जाए। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो एक बहुत ही अच्छा कदम गूगल की तरफ से, गूगल भैया बैन करने वाला है सभी तरह के एड्स क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, जो कि बहुत अच्छी बात है, वरना आप खोल के देखो YouTube भैया वो तरह तरह के ऐड आते हैं, वो करते हैं गुमराह कि यहां पे डालो पैसा, एक का डबल इधर क्लिक करो, ये हो गया दिन रेट बढ़ गई, डाउन हो गया, बटन दबाया, क्लिक किया, जीत गए वगैरह वगैरह। तो वो जो चीजें हैं ना भैया क्रिप्टोकरेंसीज वाली, जितने भी ऐसे ट्रेडमेड एड्स हैं वो सभी गूगल बैन करने वाला है, फेसबुक उनको ऑलरेडी बैन कर चुका है, तो अच्छी बात है लोग जो है वो अपना पैसा ऐसा डुबोएंगे नहीं। तो अगला अपडेट निकलता है वो है यार एक बहुत ही सैड न्यूज, जहां पे ग्रेट फिजिसिस्ट ग्रेट साइंटिस्ट मिस्टर स्टीफन हॉकिंग वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे दोस्तों, वो 76 साल की उम्र में अभी जा चुके हैं इस दुनिया से। मतलब इनको देखिए इतनी इंस्पिरेशन मिलती थी कि कैसे बंदा जो है वो इतना हाई आईक्यू लेवल वाला हो सकता है, कैसे इतना अच्छा नॉलेज हो सकता है किसी बंदे के पास में, लेकिन अभी वो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन आगे चल के दोस्तों इंप्रूवमेंट्स ऐसे होते रहेंगे, और जो और नए लोग हैं वो कुछ और उम्मीद है कि नया नया काम करते ही रहेंगे। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यूट्यूब की तरफ से, अभी आ गया है यूट्यूब के iOS ऐप के अंदर डार्क मोड का ऑप्शन, तो अभी आप अगर परेशान है उस वाइट बैकग्राउंड से तो आप डार्क मोड एंजॉय कर सकते हैं, हालांकि कंप्लीटली ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा डार्क ग्रे जैसा है, अगर ये ब्लैक होता तो कुछ फोन्स के लिए अच्छा है जहां पे हैं OLED स्क्रीन्स, और ये जो अपडेट है ये हालांकि बहुत जल्दी एंड्रॉइड में भी आने वाला है, तो आप एंजॉय कर पाएंगे थोड़ा सा और इमर्सिव तरीके से डार्क मोड में यूट्यूब ऐप को। तो अगला अपडेट निकलता है फाइनल वो आता है यहां पे WWDC के बारे में, वो क्या बोलते हैं उसको हैप्पी न्यू ईयर वाला WWDC, वो वर्ल्ड वाइड डांस कंपटीशन नहीं, ये है दोस्तों वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस जो कि एप्पल करता है हर साल, डेट्स हो गई है कंफर्म जो कि होने वाली है 4 जून से 8 जून 2018, और यहां पे भैया अनवील करने वाला है एप्पल अपना नया iOS, macOS, watchOS, tvOS, साथ में शायद नया iPad लाइनअप, क्या पता रिफ्रेश्ड MacBook Air या फिर MacBook Pro लाइनअप भी, तो ये भैया देखते हैं कि इस साल एप्पल क्या तीर मारता है WWDC 2018 में। दोस्तों यही तो सारे आज के अपडेट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको सुझाव हो तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।